अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, नगर निगम उदयपुर, आलोक संस्थान और सर्व समाज संगठनों के साझे में नव संवत्सर कार्यक्रम के तहत विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा निकाली गई। ढोल नकाड़ो, जय घोष, नव संवत्सर के नारों और एकलिंगनाथ की जय के नारों के साथ एकलिंग जी से विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा का कलश पूजन और मशाल प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। एकलिंग जी से विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा का शुभारंभ स्वामी अवधेशानंद महाराज सूरजकुंड धाम वाले और अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने कलश पूजन के साथ किया। एकलिंग जी से प्रारंभ हुई विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। यात्रा शहर में होते हुए जगदीश मंदिर पहुंची। जगदीश मंदिर परिसर में सप्त ज्योतियों का समागम किया गया, जो गणगौर घाट पहुंची। सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत के अनुसार विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा का गणगौर घाट पहुंचने पर भव्य स्वागत, गुरु पूजन और वंदन किया गया। गणगौर घाट पर स्वामी अवधेशानंद महाराज के मुख्य आतिथ्य में उदयपुर में पहली बार काशी विश्वनाथ की तरह भव्य गंगा आरती कर आतिशबाजी के साथ संवत 2078 को विदा किया गया। इस अवसर पर पिछोला झील से मानसरोवर और गंगा जल प्रवाहित कर पवित्र की गई। कार्यक्रम के तहत आलोक संस्थान के 5000 छात्रों ने तिलक लगाकर नीम की कोंपले मिश्र खिलाकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि शनिवार को प्रातःकाल नव संवत्सर की वेला में सूर्यदेव को अर्घ प्रदान किया जाएगा। वहीं छात्रों की ओर से अपने हाथों से बनाए 20,000 नव संवत्सर की शुभकामनाओं के संदेश पत्रक वितरित किए गए। प्रत्येक परिवारजनों से यह निवेदन किया गया कि इस अवसर पर वे सभी अपने अपने घरों में 5 दीपक अवश्य लगाए। यह संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। भारतीय नववर्ष 2079 की शुरुआत शनिवार से हुई। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति और नगर निगम की ओर से शनिवार को दोपहर 3 बजे टाउन हॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यहां से शोभा यात्रा महाराणा भोपाल स्टेडियम स्थित सभा स्थल पहुंची और यहां राष्ट्रीय संत साध्वी रितंबरा ने भी अपना आशीर्वचन दिया। इसके लिए वे शनिवार सुबह ही इंदौर से उदयपुर पहुंची। शोभा यात्रा और सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। पुरुष भगवा साफा और जय श्री राम बोलते हुए शोभा यात्रा चल रहे थे, तो वहीं महिलाएं लाल और पीली साड़ियों में कलश सर पर लेकर चलती दिखाई दी। बच्चों का भी जोश भरपूर दिखाई दे रहा था। बुलेट रैली के साथ साथ चलती रही। एक बार को तो पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठा। लोगों ने जगह जगह पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी की। समाजोत्सव समिति के संयोजक विष्णु शंकर नागदा ने बताया कि शोभा यात्रा में समाज संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा कई शिक्षण संस्थाओं का भी सहयोग रहा। तैयारियों के लिए समिति के संरक्षक हेमेंद्र श्रीमाली, गोविंद अग्रवाल, नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी, समाजसेवी दिनेश भट्ट, अलका मुंदड़ा, अंजू सोनी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक प्रमुख श्रीवर्धन, सह प्रांत प्रचारक मुरलीधर, विभाग प्रचारक आनंद प्रताप आदि के निर्देशन में समितियों का गठन किया गया था। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।